फिलीपींस में प्याज का संकट बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में 10 रुपए 20 रुपए में बिकने वाले प्याज फिलीपींस में 1,000 रुपए में बिक रहे हैं। प्याज की कीमत बढ़ने का सबसे बड़ा संकट फिलीपींस में 2022 में आए कई तूफान है, जिसकी वजह से प्याज की फसल खराब हो गई है। प्याज की महंगाई की वजह से फिलीपींस में प्याज की जमाखोरी भी शुरू हो गई है। हमारे यहाँ प्याज के दामों ने सरकारों को संकट में लाकर रुला दिया था। ये प्याज अब फिलीपींस वालों को रुला रहा है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 10-20 रुपए बिकने वाला ये प्याज एक दिन सबसे महंगा वेजिटेबल हो जाएगा। फिलीपींस, जहां सबसे ज्यादा प्याज खाने वाले लोग रहते हैं, वहीं लोग आज प्याज खाने के लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि फिलीपींस में सबसे ज्यादा मीट खाने वालों की तादाद है, इस वजह से यहाँ पर 20,000 टन प्याज लोग खा जाते हैं। पिछले साल फिलीपींस में कुछ तूफान आए, जिसकी वजह से अरबों की प्याज की फसल खराब हो गई। इस कारण वहां प्याज 1,000 रुपए किलो से ऊपर बिक रहा है। इस महंगाई का सबसे ज्यादा फायदा अब तस्कर उठा रहे हैं। तस्करों ने मुनाफा देखते हुए प्याज की तस्करी शुरू कर दी है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्नांडिस मार्कोस जूनियर ने प्याज के दामों को देखते हुए इसे आपात स्थिति बताया है। पूरी सरकार प्याज के दामों में उलझ कर रह गई है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।